अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर करूंगी, और बिफोर रमज़ान क्या चल रहा है आजकल। और सबसे पहले तो मॉर्निंग में आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। तो अभी जो है टाइम 9 बजे का है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं उठी थी। और सबसे पहले उठने के बाद पहला काम होता है टीवी पर कोई भी तलावत लगाना, लेकिन मेरी कोशिश होती है सूर्य बकरा लगाने की। तो सूर्य बकरा सबसे पहले टीवी पर चला देते हैं, ताकि पूरे घर में वैसे भी तलावत होती है, लेकिन ये है कि यहाँ पर अच्छे लगता है। मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग आप सूर्य बकरा की तलावत ज़रूर घर पर लगाया करें, इट्स वेरी गुड। फिर अब करते हैं नाश्ते की कुछ तैयारी, तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लो जी, चाय नाश्ते के लिए रेडी हो रही है। अच्छा, चाय मैंने ना सुबह बना ली थी 8 बजे, क्योंकि भाई को नाश्ता दिया था तभी मैंने बना ली थी। अब साथ में भाई अब ले आया है सैंडविचेस, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। चाय को थोड़ा बॉईल आ जाए, फिर हम लोग कप्स में सर्व कर देंगे। दो मसलूक्स हैं, मसलूक हैं और ये कौन सी अंडा फ्राई बोलते हैं, वो भी है। ये कौन सी है? वाइल्ड अंडा भी है। ये तामियाज है, ये विद माय वाइफ एंड विद माय आप लोगों की वो है क्या बोलते हैं, ये है सैंडविच। इसके अंदर अंडा डाला है नाश्ते में, सैलेड। इनकी है तामिया, ये दिन रात तामिया वाली लाइक करती है। जुनैद भाई जो है वो अंडा फ्राई खा रहे हैं। एक मेरी और फेवरेट है शक्शुगा, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो भी बहुत मजे की होती है। ये दूसरी सैंडविच है ऑमलेट की, मतलब इसको अंडा फ्राई कहते हैं। अच्छा, हम इसको कहते हैं समूली। पाकिस्तान में क्या होता है, बर्गर को भी समूली कह रहे होते हैं। नहीं, बर्गर को शुअरमे को भी बर्गर कह रहे हैं, हम लोग इसको समूली कहते हैं। तभी वहाँ जाकर मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ज्यादा याद है अंडे हम लोग गोल बर्गर समझते हैं ना। हाँ, गोल वो ये वाला बर्गर कहते हैं, इसको कहते हैं बर्गर, इसको बर्गर कहते हैं। ये बर्गर नहीं है, ये सैंडविच है, इसको यहाँ समूली बोलते हैं। इसमें 5-6 किस्में है, रोटी में भी है, इसमें भी है, वो गोल बर्गर टाइप में भी है। तो ये होती है समूली, जो लंबी सी होती है। जब कंफ्यूज हो गए थे बर्गर बर्गर और इतना बड़ा बर्गर, ये कहां से आ गया बर्गर? हमारे साथ वहां पे यही होता था। तो अब नाश्ता करने के बाद मैं दोबारा से सो चुकी थी, और अब ये बिस्तर वगैरह सब समेटा समेटी करते हैं। वो बैठा है मोहम्मद, आते ही मोबाइल पे लग जाता है। ये देखें, आपके सामने लाइव प्रूव है। मोहम्मद क्या कह रहे हो? इसका टैब भी वापस हो चुका है, क्योंकि ये ऑल टाइम टैब 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 पे लगा रहता था, ना खाने की होश ना पढ़ाई की, कुछ भी होश नहीं थी। और अब इसके यार टैब ने सेल करवा दी है, अच्छा हुआ ना, अब जान छूट गई। मोबाइल पे मोबाइल बजी जाए, इसने नहीं देना किसी को भी। अभी मैं यहाँ पे कमरा जो है समेटती हूँ, फिर देख लो जी, बेडरूम हो गया ऑल सेट। अब मैं पढ़ती हूँ नमाज। नमाज के लिए मैंने पहले से जानमाज बिछाई रखी है, पहले सेट कर रही थी, और अब मैं जानमाज पे जोर की नमाज अदा करती हूँ। और फिर इसके बाद खाने का देखते हैं, आज क्या खाने का मेन्यू बनाना है, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाने के मेन्यू में आज बन गया है कोरमा, यमी यमी सा कोरमा। अब साथ ही रोटियाँ तैयार करते हैं, और फिर हम लोग लंच करके फिर देखे क्या रूटीन होती है हमारी। गाइस ऑलमोस्ट रेडी, सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक, फिर है सालन, साथ है प्लेट्स रोटियां, दही, पानी। गाइस पानी दे यार। ये है मेरी रोटी, और ये है इतना सा मेरा सालन, और ये है मेरी पेप्सी का ग्लास, क्योंकि इसके बगैर मेरा खाना नहीं हजम होता, इसलिए पेप्सी लवर हूँ। पेप्सी जो है लाजमी है। अब हम जा रहे हैं हरम, और बाबा जो है वो प्रोग्राम देख रहे हैं खबरदार।
और हमारा प्लान बन गया हरम जाने का। अब वहाँ हरम जाके आपसे मुलाकात होती है, इसलिए आज का मेरा दिन कुछ इस तरह से गुजरा सुबह से शाम। अच्छा, बीच में मैंने सफाइयाँ और ये वो चीज़ें नहीं डाली, वो इसलिए क्योंकि मतलब वो नॉर्मल थिंग है और वो सबको और ऑलमोस्ट पता ही होगा कि ये काम तो ज़िंदगी ज़रूरियात के साथ साथ होते हैं। यहाँ कौन सी कोई मासियाँ आती हैं, चलते हैं। इसलिए बस अब जाते हैं हम हरम के लिए और वहाँ फिर वापसी होगी तवाफ करने के बाद। भाई ताइफ गया था, ताइफ से उसके किसी दोस्त ने ये उसको बर्फ़ी और ये पेड़े दिए, तो पाकिस्तान से वो फ्रेंड आया तो उसने इसको मतलब ज़्यादा लाया होगा ना, तो इसलिए उसने इस डब्बे में इसको डाल के दे दिए। इसमें से काफ़ी ज़्यादा खा भी चुके हैं क्योंकि ईशा में हम लोग चाय के साथ स्नैक्स वगैरह था, आज हमने बनाया था क्रीपर्स वगैरह, क्रीपर्स बनाए थे चिकन के, तो उसकी मैं नहीं ले सकी वीडियो, तो फिर बस अभी सामने यही था तो मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ।